स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो जो पढ़ी थी उसमें हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा था, है ना, वो पढ़ा था हमने साउंड ऑफ वोवेल ए। आज हम पढ़ने वाले हैं साउंड ऑफ वोवेल ई के बारे में। तो हम स्टार्ट करें, चलें। हमको दिया हुआ है यहाँ पे, ये चैप्टर दिया हुआ है, हमको लिखा हुआ है साउंड ऑफ वोवेल ई, है ना। तो हमको ई वोवेल के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो हमारा ई वोवेल जो होता है उसका मतलब क्या होता है, ए, यानी जो ई वोवेल होता है वो किसका हेल्प करता है हमको ए का साउंड देने के लिए। किस तरह से, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, आपको ये क्या दिख रहा है, लेग दिख रहा है। क्या होती है लेग की स्पेलिंग, एल ई जी। तो ई आने के कारण हम उसको क्या पढ़ रहे हैं, लेग। तो इस तरह से ये हमको क्या कर रहा है, ई का जो उच्चारण है यानी ई का जो प्रोनाउंसिएशन है उसको देने के लिए ये क्या कर रहा है, ई का यूज़ कर रहे हैं हम। इसी तरह से एन ई टी नेट, तो उसमें भी ए का वो देने के लिए, प्रोनंसिएशन देने के लिए हमको ये हेल्प कर रहा है। इसी तरह से वी ई एस टी वेस्ट, तो इसमें भी क्या कर रहा है, ए का प्रोनंसिएशन देने के लिए ई का यूज़ हुआ है। इसी तरह से जेड ई बी आर ए जेब्रा, उसमें भी ई का प्रोनंसिएशन होने के लिए हमको क्या यूज़ कर रहा है, क्या यूज़ कर रहा है, ये ई यूज़ कर रहा है। यानी ई जो होता है वो किसका प्रोनंसिएशन दे रहा है हमको, ए का, है ना। तो इसके बेसिस पर हमको यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, कुछ सॉल्यूशन करने के लिए दिए हैं। बोला है रीड अलाउड, यानी जोर से पढ़ना है, एंड राइट, और लिखो। तो सबसे पहला दे रखा है पी ई टी, तो पी ई टी क्या होता है, पेट, है ना, पेट यानी पालतू जो होता है उसको कहते हैं। इधर रखा है जी ई टी, क्या हो जाएगा, जेट। उसके बाद दे रखा है बी ई डबल एल, ये क्या हो जाएगा, बेल। उसके बाद दे रखा है डब्ल्यू ई डबल एल, ये क्या हो जाएगा, वेल। उसके बाद दिया हुआ है पी ई एन, ये क्या हो जाएगा, पेन। नेक्स्ट जो दे रखा है वो दे रखा है आपको बी ई डी, ये क्या हो जाएगा, बेड। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन साउंड को हमने देख लिया। ये इस केस में क्या कर रहा था, जो ई था किसका साउंड दे रहा था, ए का साउंड दे रहा था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमको दिया है वो दिया हुआ है हमको ई का ही एक और साउंड। ई जो है वो बड़ी ई का साउंड भी देता है ना। किस तरह से, जैसे हमको पढ़ना होता है बी, बी यानी जो मधुमक्खी होती है, स्पेलिंग पे क्या पढ़ते हैं, बी डबल ई। तो बी डबल ई जो होता है, ये डबल ई जो होता है, या हम सिर्फ ई की बात करें तो ये हमको कुछ केस में क्या होता है, बड़ी ई का साउंड भी देता है। जैसे बी डबल ई बी, टी आर डबल ई ट्री, के ई बाय की। तो इन केसेस में ये क्या दे रहा है, बड़ी ई का साउंड दे रहा है। पहले हमने क्या दे रखा था, ए का साउंड देखा था, अब ये किसका, बड़ी ई का साउंड दे रहा है। तो हम लिख देखें फिर इसके बेसिस पर हम सॉल्व कर रहे हैं, आगे आपको समझ में। सबसे पहला दे रखा है एच ई, तो ये क्या हो जाएगा, ही। फिर दिया हुआ है सी एस एच ई, ये क्या हो जाएगा, सी। ये कौन सी, बड़ी ई का साउंड है सारा, एम ई मी। फिर दिया हुआ है एफ आर डबल ई, ये क्या हो जाएगा, फ्री। फिर दिया हुआ है पी ई ए पी। फिर दिया हुआ है टी ई ए टी। उसके बाद देखा है जेड डबल ई पी जीप, है ना। उसके बाद दिया हुआ है एल ई एफ ई लीफ। उसके बाद दिया हुआ है ई ए टी ईट, है ना, ईट। तो इस तरह से ये क्या दे रहा है, इन सब के साउंड्स किस के हिसाब से दे रहा है, ये जो ई है बड़ी ई का साउंड दे रहा है ना। तो ई कौन से, दो तरह के साउंड देता है, एक कौन सा, अगर हमको ए बोलना हो तब, और दूसरा हमको बड़ी ई का यूज़ करना हो तब, ठीक है। तो इस तरह से आपने देख लिया। अब हमको कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, हम वो भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला जो बोला हुआ है वो बोला हुआ है आइडेंटिफाई, सॉरी, टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी हमको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें जो राइट आंसर होगा वो हमको टिक करना होगा। क्या बोला हुआ, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स, यानी जो पिक्चर्स है उनको आइडेंटिफाई करना है और आपको टिक करना है कि कौन सा सही होगा। तो पहला दे रखा है लेग, ये काय का पिक्चर दिख रहा है आपको, ये काय का है,
नेट है ना ये, तो नेट की स्पेलिंग क्या होती है? PET पेट, नहीं, LEGLE, नहीं, क्या होती है? NET नेट। तो ये हो जाएगा। उसके बाद दे रखा है TREE, ये क्या दिख रहा है? सबसे पहले इसको देखो, ये है बी, है ना। अभी हमने देखी बी की स्पेलिंग क्या देखी थी, BEE देखी थी। तो ये क्या, नहीं, ये क्या, नहीं, ये राइट है, तो इस पर राइट कर दिया। अब दे रखा है फाइंड द ऑड वर्ड, यानी कि ये तीन दे रखे हैं, इसमें से हमको ऑड वर्ड देखना है, कि इस हिसाब से हमने जो साउंड पढ़े ना उसके हिसाब से, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें। ये क्या है, TEAT, तो ये ई का साउंड दे रहा है, बड़ी का, सही है ये तो। चलो ये PEAP, तो ये भी इसका साउंड दे रहा है, जबकि ये क्या है JET, जेट, तो ये तो ए का साउंड दे रहा है, यानी अलग कौन हो गया, ये अलग हो जाएगा। देन दे रखा है लुक एंड फील द लेटर, यानी ये दिया हुआ है हमको, और कुछ इस तरह से हमको लिखा हुआ है, इसके नीचे आपको लिखा हुआ है इस तरह से, एक ब्लैक दे रखा है, फिर ES और T, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये आपको इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये काई का है, ये क्या लिखा हुआ है, ये जो दिख रहा है पिक्चर, ये क्या है, वेस्ट है। तो वेस्ट की स्पेलिंग क्या पढ़ी हमने, VEST, तो R आएगा, नहीं, T आएगा, नहीं, क्या आएगा, V। ये भी हो गया कंप्लीट। अब हमको नेक्स्ट जो इसके जस्ट नीचे दिए हुए हैं, बोला हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हमको जो ब्लैंक्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, उसमें हमको करेक्ट वर्ड क्या करना है, फिल करना है, किसकी हेल्प से, जो पिक्चर दिया हुआ है हमको उसकी हेल्प से। तो हम स्टार्ट करें। सबसे पहला दे रखा है आई फिल द ब्लैंक्स एंड एप्पल, तो ये क्या कर रही है, वो दिख रहा है आपको एप्पल खाते हुए दिख रहा है। खाने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, ईट, है ना, तो सीट हो जाएगा, नहीं, हीट होगा, नहीं, ईट, EAT, ईट, ईट यानी क्या होता है, खाना। फिर दे रखा है दिस इज अ फिंडर ब्लैंक्स, तो ये क्या है, ये क्या है, पेन है, तो पेन की स्पेलिंग क्या होती है, PEN, पेन। देन ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, एक ट्री है, तो ट्री की स्पेलिंग क्या होती है, आई क्लाइम ऑन अ फ्लिंडर ब्लैंक्स, तो यहाँ पे ट्री की स्पेलिंग लिखनी है। तो ये WELL होती है क्या, नहीं, TREE होती है, हाँ, तो ये टिक कर देंगे हम। देन दे रखा है द नंबर ऑफ द फ्लावर्स इन द पिक्चर इज, तो फ्लावर्स में नंबर, फ्लावर्स जो दिख रहे हैं वो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं, 7 की स्पेलिंग क्या होती है, SEVEN, तो क्या हो जाएंगे, 7। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है सेकेंड, वो भी एंड हो गया। अब हमको चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।